गाइज दिस इज़ नेहा खान और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मेकअप फॉर बिगिनर्स। आप सोच रहे होंगे मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार जब मेकअप करना स्टार्ट करती हो तो ये सब बहुत ही ईजी हो जाता है और आपके बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। तो अभी देख रही हैं आप, मेरे स्किन पे कुछ मेकअप नहीं है, मैं अपना मेकअप अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट कर लेती हूँ और कुछ भी फेस पैक या फेस मास्क लगा लेती हूँ, अच्छे से क्लीन अप कर लेती हूँ ताकि मेरा फेस पे ड्राइनेस ना हो, क्लीन हो पूरा फेस, ताकि मेरा मेकअप अच्छे से बैठ जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमर से। प्राइमर को हमें इस तरीके से ब्लेंड करना ताकि वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। अभी मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का प्राइमर यूज कर रही हूँ। जब आपका प्राइमर अच्छे से लग जाएगा तभी आपका फाउंडेशन इस पर अच्छे तरीके से बैठ पाएगा। तो सबसे पहले चीज आप ध्यान पे ये रखें कि आपका प्राइमर अच्छे से आपके पूरे फेस पे ब्लेंड होना चाहिए। सेकंड, सब कोई क्या करते हैं, फाउंडेशन लगा लेते हैं, पर मैं क्या करती हूँ, मैं पहले अपने आईब्रोज बनाती हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सिवाना का। जिन्हें जिस शेप का आई में डार्क सर्कल्स बहुत ही ज्यादा है तो मैं थोड़ा ज्यादा कंसीलर लगाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा फिनिश्ड हो गया है। मैं इसे इतना ज्यादा यूज करती हूँ, मैं बिल्कुल जेन्युइन बता रही हूँ मैं जो चीज यूज करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूज नहीं करती और मैं आपको बता दे रही हूँ। आप अपने आईलिड्स पर भी देंगे फाउंडेशन, ये सॉरी कंसीलर। इससे क्या होता है, आई शेडो बहुत ही अच्छा उभर कर आता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईब्रोज के नीचे व्हाइट लाइन देंगे जिससे हमारी आईब्रोज डिफाइन होगी। के बाद हम लेंगे यहाँ पे, ये मेरे पास नेकेड का आई शेडो पैलेट है, मैं यहाँ से एक न्यूट्रल शेड निकाल रही हूँ। हम लगाएंगे फाउंडेशन, मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। हम यहाँ नेक पे भी लेंगे, फोरहेड पे लेंगे। आपके पास हुडा ब्यूटी या किसी भी चीज का ब्लेंडर हो आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो, जिससे आप वो ले लें, क्योंकि आजकल ब्रश यूजुअली कोई यूज नहीं करता क्योंकि ब्लेंडर बहुत अच्छे से काम करता है। अब हम यूज करेंगे कॉम्पैक्ट। मेरे पास यहाँ पे लैक्मे एब्सोल्यूट का कॉम्पैक्ट पाउडर है। इसमें दो शेड्स आते हैं, एक है शिमरी और एक नॉर्मल। मैं यहाँ पे नॉर्मल यूज करूंगी। अब आप अपने आईज के नीचे से अच्छे से डैब कर ले, थोड़े फेस पे भी। मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी लिप ग्लॉस यूज कर रही हूँ। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, मैं प्रेफर करती हूँ हाथ से करना। आप देख सकते हो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा,
हमारे चीक्स ऐसे ही रेड हो जाएंगे। मुझे तो बहुत पसंद है आपने चीक्स रेड करना। ये देखो बिल्कुल नेचुरल लुक आ लग चुका है। अब इसके बाद हम अपना मस्करा नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि जब हम सेटिंग स्प्रे देंगे तो मस्करा फैल जाएगा, इसी के लिए मैं इसे प्रेफर करती हूँ एट लास्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लिपस्टिक, मैं यहाँ पे पिंक शेड की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कोई भी मेकअप के साथ मैच हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है फॉर गली लुक। तो बिगिनर्स के लिए पिंक कलर का शेड बहुत ही अच्छा होता है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे, आप देख सकते हो मैं ऐसे यूज करती हूँ। ये बस फिनिश ही होने वाला है, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी अपने मन से दे रही हूँ, मैं जो चीज यूज करती हूँ और मुझे बढ़िया लगता है मैं वही का रिव्यू बनाती हूँ। लेट इट सेट डाउन। पूरा सेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगी मेबेलिन का मास्टर क्रोम। मेरे पास लैक्मे भी है, मैंने यूज किया है, बट मैं प्रेफर करती हूँ मेबेलिन का। और गाइस आपके पास एक ऐसा ब्रश तो होना चाहिए ब्लशर के लिए या हाइलाइटर के लिए। अब मैं यहाँ पे हाइलाइटर ले रही हूँ, मुझे शाइनी फेस बहुत पसंद। तो हम यहाँ पे नोज से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत आईलिड्स पर, चीक पर, ऑल डन एट लास्ट। और मैं अपना मस्करा लगाऊंगी, लगाना पड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी। मैंने यहाँ पे काजल यूज नहीं किया, आप चाहते तो कर सकते हैं। ये मेरा फुल मेकअप लुक। अगर आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्टेड फील किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।